हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ई रजिस्ट्रेशन मित्रा। आज हम आपके सामने एक नए प्रोसेस के साथ, एक नई सर्टिफिकेट के साथ जो हम ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बनाने वाले हैं, हम लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलेंगे लैंडलेस। ठीक है, लैंडलेस सर्टिफिकेट हम 5 बीघा से जिसकी ज़मीन कम है उसका कैसे बनाएंगे, तो इसका हम लैंड होल्डिंग या सर्टिफिकेट के बारे में आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सिंपली आपने जो सेम प्रोसेस है आपका, सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कर देना है और आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपने रजिस्टर कर लेनी। अगर आप नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है कि आपने कैसे रजिस्टर होना है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें और रजिस्टर हो लें। अदरवाइज़ आप यहां से गेस्ट यूज़र पे, न्यू यूज़र पे क्लिक करके भी आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हो। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने सिंपली न्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है और आपने देखिए लैंड होल्डिंग और बैकवर्ड एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिखा है, जो नीचे ब्लू पट्टी में दिया गया है, इसमें देखें आप। ठीक है, तो इसमें आपने थर्ड नंबर पे आएगा आपका बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे, पहले सीखेंगे हम कि लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो ये है हमारे पास लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्लिक कर देना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास सिंपली एप्लीकेंट पर्सनल जो डिटेल है वो तो सेम भरी जाएगी, सबकी सेम भरी जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपने टाइटल जो भी है, श्री है या श्रीमती है, सुश्री है। ठीक है, सुश्री मतलब कुमारी। ठीक है, और श्री जो आप समझ सकते हो। ठीक है, और आपने जेंडर जो भी है आपका जेंडर फिल कर देना, नेम फर्स्ट नेम में डालना और लास्ट नेम में जो भी सरनेम होगा वो डाल दें आपने। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं भी होगी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें आपको एक्यूरेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस तरह से आप अपना फादर नेम डाल दें और मदर नेम डाल दें। रिलीजन क्या है आपका, धर्म क्या है, तो आपका जो भी धर्म होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आपने मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी जो भी रहेगा, ठीक है, वो आपने करना है, तो ऑनलाइन ही करें आप। ठीक है, और आपने और कुछ नहीं करना है, सिंपली आप आधार नंबर ना डालें, कुछ ना डालें, और अपना इमेज आप डाल दें। ठीक है, जो भी आपकी इमेज रहेगी वो आपने फाइल्स में जाके सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपके पास है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये है तो मैं सेलेक्ट, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 MB मैक्सिमम है इनका डाटा, सेव कर लें। ठीक है, इस तरह से आप सेव पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली दिखा देगा, तो आप एक बार चेक कर लें कि मैंने क्या डिटेल सही भरी है या नहीं भरी है। ठीक है, तो आप इसे देख लें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपने ऊपर कुछ नहीं करना है, फिल नहीं करना है आपने। ठीक है, यहाँ सर्च लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सर्च लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है तो आपने जो भी आपके लैंड ओनर है, ठीक है, आपके फादर है, आपके दादा है, उनका नाम यहाँ पे हिंदी में डालना पड़ेगा। आपको एक बात याद रखें आप कि आपको ये हिंदी में डालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली आप ये डाल दें और डिस्ट्रिक्ट डाल दें। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका, तहसील डाल दें आप। ठीक है, पटवार सर्कल क्या है आपका वो आप डाल दें यहाँ पे। ठीक है, मोहाल क्या है, मोहाल भी डाल दें। ठीक है, वो डाल दें और सर्च पे क्लिक कर दें। देखिए अब हमारे पास ये आपकी डिटेल आ चुकी है, ओनर की डिटेल आ चुकी है, तो हमने सिंपली व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर देना है। ये डिटेल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से ऊपर जो ये ऑप्शन आता है अटैच डिटेल इनटू एप्लीकेशन, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने क्लिक कर दिया है तो आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा ये। तो आपने सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आपका एड्रेस ये विलेज मुखाल से अलग है तो आपने वो फिल कर लेना है। ठीक है, और डिक्लरेशन जो भी रहेगी वो यस यस कर दें और सेव पे सिंपली क्लिक कर दें। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके पास
नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास रेजिडेंस प्रूफ, जो अपलोड डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे आपको। इसमें आपका रेजिडेंस प्रूफ आ जाएगा, परिवार नकल, ठीक है, परिवार नकल ही आपकी ये वैलिड मानी जाएगी। इसमें आधार कार्ड को बैक साइड करेक्टर के लिए चल पड़ता है, लेकिन इसके लिए नहीं चलेगा, इसलिए आपने परिवार नकल ही यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड का फ्रंट साइड डाल सकते हो आप, श्रम कार्ड का डाल सकते हो आप, लाइसेंस का डाल सकते हो आप, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड का डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो आपको पटवारी की रिपोर्ट दी गई होगी, ठीक है, आधी जगह क्या है, कुछ तहसीलों में ऐसा है, हिमाचल में कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी है जो ऑनलाइन है, ठीक है, तो आपको ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपल सबमिट करना है और पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।